Good morning everyone. So here we are discussing General Science Biology 2021, a complete description of biology by Manohar Pandey. And today we will discuss about respiratory and circulatory system. So let's start. This is our part 4th video, right? So let's start about the respiratory system. Respiratory system. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम हम समझेंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए श्वसन तंत्र. ठीक है, हिंदी में हम कहेंगे श्वसन तंत्र. दैट मीन जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व सिस्टम है उसको ही हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेशन अगर एज ए लेमैन डेफिनेशन अगर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग CO2. सिंपल सी बात है, अगर हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं तो उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, राइट. लेकिन रेस्पिरेशन जो बेसिकली क्या है कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है. कैटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो हमें एनर्जी किससे मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है, राइट. तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे फूड, जैसे ग्लूकोज की बात करें, फूड हमें कहाँ से मिलता है? फूड से हमें ग्लूकोज मिलता है, राइट. आफ्टर डाइजेशन ग्लूकोज बनता है. और ग्लूकोज क्या होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? वो क्या होता है? फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है? CO2, H2O एंड एनर्जी रिलीज होती है ATP की फॉर्म में, राइट. तो हमें बताना है कि जो कैटाबॉलिक, व्हाई इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस? बिकॉज देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्मॉलर मॉलिक्यूल जो बनते हैं, ठीक है, एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये बात याद रखना कि रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी रिलीज होती है. किस फॉर्म में निकलती है एनर्जी? ATP की फॉर्म में. ATP जनरेट होते हैं, वो पैकेट ऑफ एनर्जी है, और उसी से हमें आगे जितना भी हम फंक्शन, हमारा काम है, हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, डाइजेशन करते हैं, सभी चीजों में हमें एनर्जी की जरूरत होती है. नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ द जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं. लंग्स जो होता है सबसे एडवांस रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और बहुत ही एडवांस जो डेवलप्ड एनिमल है उन्हीं में लंग्स होता है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में क्या आते हैं? लिजर्ड्स आते हैं. और अगर मैमल्स की बात करेंगे तो मैन, कैमल, कैटल एटसेट्रा, इन सभी में क्या है? लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. लेकिन अगर स्किन की बात करते हैं तो स्किन किस में होता है? स्किन होता है फ्रॉग, अर्थफॉर्म, लीचेस एटसेट्रा. गिल्स जो होते हैं वो फिशेस में पाए जाते हैं, फिशेस, टेडपोल लार्वास जो होते हैं, एंड प्रॉन्स में होता है. ठीक है, ट्रैकिया की बात करते हैं तो मोस्टली ये फाइंड हम इसको पाते हैं इंसेक्ट्स में, सेंटीपीड्स में, मिलीपीड्स में. बॉडी सरफेस के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, तो वो है जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा, इग्लीना, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, हाइड्रा एटसेट्रा में बॉडी सर्फेस के थ्रू भी श्वसन होता है, यानी रेस्पिरेशन होता है. बुक लंग्स की बात करेंगे तो बुक लंग स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक एंड माइट में होता है. बुक गिल्स की बात करेंगे तो किंग क्रैब, प्रॉन्स, क्रेफिश एंड डेफनिया में होता है. एयर ब्लडर के थ्रू भी श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है. लंग फिशेज होती हैं, बोनी फिशेज होती हैं, लेबियो, उसके अंदर एयर ब्लडर होता है. एयर सैक की बात करते हैं तो बर्ड्स के अंदर एयर सैक्स एंड लंग्स, ठीक है, ये किस में होते हैं? बर्ड्स में होते हैं. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए, ओवरऑल पासेज ऑफ एयर इन ह्यूमन इज एज फॉलो. सबसे पहले जो हमारा एयर का पासेज क्या है, हमारा एयर कैसे अंदर जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो देखिए सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें नाक, जो हमारी नोज होती है उसमें जो होलो जो आपको दिखते हैं छेद, उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. उसके थ्रू एयर अंदर जाती है, उसके बाद फेरिंग्स में जाती है. दिस इज, यहाँ पर कहीं फेरिंग्स होता है, उसके बाद लैरिंग्स. देखिए ये है लैरिंग्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स भी जिसे कहते हैं. लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में जाती है, दिस इज ट्रैकिया, ए विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप के थ्रू अंदर गई. उसके बाद यहाँ से ये ब्रोंकाई में जाती है, राइट. ब्रोंकाई क्या है? ये डिवाइड हो गई यहाँ पे, ये विंड पाइप जो आपका ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाइज, राइट. ब्रोंकियोल्स के बाद ये फर्दर और डिवाइड होती है ब्रांचेस में, उसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, राइट. उसके बाद ये जाती है छोटी छोटी, आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई, ठीक है. ये क्या है? एल्वियोलाई और एयर सैक. यहाँ पर एयर जाती है हमारी, उसके बाद यहाँ से ब्लड के थ्रू, सेल्स के थ्रू ब्लड में जाती है, और ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है. तो जो हमारा एयर का
किस तरीके से हमारे अंदर जाती है, नोज के अंदर नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स के थ्रू लैरिंग्स में जाती है, लैरिंग्स के बाद वो ट्रैकिया में आती है, दिस इज लैरिंग्स एंड यहाँ पर ये ट्रैकिया है, अगेन दिस इज अ विंड पाइप, विंड पाइप के बाद दो भागों में इसे ट्रैकिया को डिवाइड किया, उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकियो के बाद फर्दर डिवीजन हो रहा है यहाँ पर ब्रांचेस का, उसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं जिसके अंदर एयर जाती है, उसके बाद यहाँ एल्वियोलाइज दिख रहे हैं राउंड राउंड, एयर सैक जिसको कहते हैं, वहाँ से सेल्स में जाती है एंड सेल्स के थ्रू ये ब्लड में ट्रांसफर होती है एयर हमारी ऑक्सीजन। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, ये इन्होंने डायग्राम दिखाया हुआ है। नाउ कम टू द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे, द रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक मीन्स होता है एयर की प्रेजेंस, या एरोबिक एरो से मतलब समझ लीजिए एयर की बात कर रहे हैं, एयर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन जो होता है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और एयर में क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना वाला रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज द सब्सटेंस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, ठीक है, ग्लूकोज, ये मैंने अभी डिस्कस किया था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस वाटर, वाटर रिलीज होता है एज वेल एज देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी मिलती है हमें। In this process, each glucose molecule is converted into two molecule of pyruvic acid by the process called glycolysis. देखिए, सबसे पहला जो respiration का process है उसमें सबसे पहले जो cycle आता है उसको हम कहते हैं glycolysis cycle, ठीक है। उसमें क्या होता है, basically glucose का जो molecule होता है वो टूट के दो भागों में क्या बना लेता है, दो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं, उसी इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये कहाँ होती है क्रिया, ये होती है जो सेल का साइटोप्लाज्म है वहाँ पर होती है। द पायरुविक एसिड फॉर्म्ड रिलीज एनर्जी विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन क्रैब साइकिल विच अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसीजर प्रोसेस है वो किस तरीके से डिवाइड हुआ है, पहला है ग्लाइकोलिसिस जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, दूसरा प्रोसेस होता है क्रैब साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, दैट मीन देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स टूटना, ठीक है, तो ग्लूकोज के टूटने को हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज किस में टूट के दो भागों में बटा, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड फर्दर क्या करता है क्रैब साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, और उसके बाद वहाँ पर वो किस में टूट जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस हो रहा है क्रैब साइकिल, और किस में पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है प्लस एनर्जी रिलीज करता है, राइट। तो यहाँ पर हमें इस प्रोसेस को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रैब साइकिल एंड इसमें क्या बनता है, तो आप बताएंगे क्रैब साइकिल में पायरुविक एसिड से CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकलती है, ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, और क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन सीधी सी बात है ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है इसमें, ठीक है, एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होना, बट एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होना। द रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसे हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इट इज फाउंड इन द एंडोपैरासाइट लाइक राउंड वर्म, इन दिस प्रोसेस द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो जो प्रोसेस होगा, जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस अल्कोहल बनता है, राइट, यहाँ पर वाटर नहीं बनता, अल्कोहल बनता है, ये हमें याद रखना। और ये किस में होता है, एंडोपैरासाइट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट प्रेजेंट इन द एंडोपैरासाइट राउंड वर्म जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं उनमें होता है प्रोसेस। देखिए यहाँ आपको दिखाया हुआ है ग्लूकोस, ये क्या है यीस्ट, यीस्ट जब हो रहा है तो ये क्या है एनारोबिक, यहाँ पर माइनस ऑक्सीजन होना चाहिए था लिखा, जो क्लियर हो जाता आपको। ग्लूकोस जब यीस्ट जब ग्लूकोस को रेस्पिरेशन करता है, यानी कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पे सेल्युलर रेस्पिरेशन, उसमें यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है प्लस इथाइल एल्कोहल बन रहा है, राइट। और अगर ग्लूकोज जो है
ग्लूकोज जो है मसल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है, मसल्स के अंदर हो रहा है तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी प्लस एनर्जी रिलीज होगी इन एनिमल। बट यहाँ पर जो एटीपी रिलीज होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो कम मात्रा में रिलीज होती है। ये आप ध्यान रखना, जो एनर्जी रिलीज होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उस कंडीशन में, एटीपी कम क्वांटिटी में बनते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाले रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, राइट। तो मसल्स में लैक्टेट बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जो पैरों में दर्द होता है आफ्टर जब बहुत ज़्यादा जॉगिंग कर लेते हैं या जिम में वर्कआउट कर लेते हैं, तो पैरों के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैरों में पेन होता है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। नाउ कम टू द फेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम इम्पॉर्टेंट जो बात करने वाले हैं वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाले रेस्पिरेशन के बारे में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन ऑफ लंग। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसे हम कैसे देखेंगे कि हमने हवा, मतलब जो एयर है वो हमारे अंदर गई एंड देन एयर बाहर आई, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अभी सेल के अंदर ऑक्सीजन जाने के बाद क्या होता है वो अभी इंटरनल रेस्पिरेशन हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग और वेंटिलेशन ऑफ लंग, ब्रीदिंग जिसे नॉर्मली आप कहते हो कि सांस लेना, इट इन्वॉल्व इंस्पिरेशन यानी कि अंदर जाना एयर का एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर। इंस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर, एयर का अंदर जाना ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड डायफ्राम फ्लैटन। इसमें क्या होता है, जो मसल्स होती हैं डायफ्राम की वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है एंड डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है। लोअर रिब आर रेज्ड अपवर्ड, जो लोअर रिब होती है वो ऊपर की तरफ आती है एंड आउटवर्ड और बाहर की तरफ आती है। द चेस्ट कैविटी एनलार्जेस, द एयर प्रेशर इन द लंग गेट डिक्रीज एंड एयर रश इनटू द लंग, और जो लंग का एयर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसकी वजह से एयर अंदर चली जाती है लंग्स में, राइट। एक्सपायरेशन की बात करेंगे, इज ब्रीदिंग आउट ऑफ द एयर, इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग आउट यानी कि आप बाहर सांस छोड़ रहे हो। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम टेक प्लेस, इसमें मसल रिलैक्स हो रही है, इंस्पिरेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, राइट। डायफ्राम अगेन बिकम डोम शेप्ड, और इसमें डायफ्राम डोम शेप हो जाता है, चेस्ट कैविटी जो होती है रिड्यूस होती है एंड एयर इज फोर्स्ड आउटवर्ड थ्रू नोज एंड ट्रैकिया, और जो हमारी एयर होती है वो नोज और ट्रैकिया के थ्रू बाहर आ जाती है। ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन इज 18 टू 20 टाइम्स पर मिनट, 18 से 20 टाइम पर मिनट हमारी ब्रीदिंग रेट है, ठीक है, 18 से 20 बार हम करते हैं एक मिनट में ब्रीदिंग। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर पार्शियल प्रेशर, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर कम है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है अंदर तो वो बाहर आ रही है, राइट। तो इस तरीके से, क्योंकि ऐसे ही होता है ना कि जहाँ कमी होती है वहाँ अंदर, वो जब हम सेल्स में भी डिफ्यूजन देखते हैं तो जहाँ पर जो चीज़ की कमी है वो सॉल्यूट्स जो होते हैं वो बाहर से इंटरनली अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूट कम है, अगर वाटर ज़्यादा है तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर का प्रिंसिपल यूज होता है, और इस तरीके से इनहेल और एक्सहेल होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आता है मेन इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पर जो रेस्पिरेशन हो रही है वो सेल के अंदर हो रही है, राइट। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है तो वो किस तरीके से होती है, वो सिर्फ ब्रीदिंग इन एंड आउट नहीं है, वो तो हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में देख लिया, अब हम इंटरनल की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो हमारा ग्लूकोज है वो किस तरीके से बर्न होता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इन विच जो फूड होता है बेसिकली वो ब्रोकन डाउन छोटे छोटे टुकड़ों में रिलीज होगा, उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, पहले छोटे उसमें बनेगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं हम, तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोलोसिस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, देन पायरुविक एसिड हमारा जो कन्वर्ट होता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस बाय हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड,
जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो ब्लड के थ्रू होता है, और ब्लड में भी किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, राइट। वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओनली 10 to 20% कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस बाय द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। जो 20% यानी कि 10 to 20% ऑफ CO2 जो होती है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू मतलब ब्लड से उसका ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन का होता है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी इज मोर फॉर ऑक्सीजन देन CO2, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए उसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो है ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है ऑक्सीजन का। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की चूँकि बाइंडिंग जो कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन के लिए कम है, इसलिए 10 to 20% CO2 इज टेक्स प्लेस बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 10 to 20% CO2 टेक्स प्लेस बाय द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। अप्रॉक्सीमेटली 400 ml ऑफ वाटर इज लॉस थ्रू द ब्रीदिंग एवरी डे। अब ये ध्यान रखिए कि जब हम ब्रीदिंग इन एंड आउट कर रहे हैं तो हमारा वाटर भी लूज हो रहा है इसमें, राइट। तो हमको बहुत ज़्यादा वाटर के लिए भी मतलब वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन ऑल्सो। ब्रीदिंग जो डेली हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें एटलीस्ट वन डे में हमें 400 ml ऑफ वाटर यूज, राइट। नाउ रेस्पिरेशन बीइंग ए कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑल्सो रिड्यूस द वेट ऑफ द बॉडी। ये रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, पहले ही मैंने बताया था। कैटाबॉलिक मीन्स यहाँ पर जो हमारी बॉडी के अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिगर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। इससे क्या होता है, रिड्यूस द वेट ऑफ द बॉडी। ये दिस इज ऑल्सो रेस्पिरेशन ऑल्सो रिड्यूस द वेट ऑफ द बॉडी। अब नाउ लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स और एडम एप्पल प्रोड्यूसेस साउंड। अब जो लैरिंग्स हमने देखा था सबसे ऊपर, जैसे हमारी ईयर जो होती है कैसे आती है, नाक में से सबसे पहले नॉस्ट्रल्स में जाती है, उसके बाद फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स। तो लैरिंग्स मैंने आपको वहाँ बताया था कि दिस इज अ वॉइस बॉक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग द साउंड। इसी को हम एडम एप्पल बोलते हैं। क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन कर लीजिए इसे, एडम एप्पल किसको बोलते हैं, लैरिंग्स को बोलते हैं, राइट। इट हैज अ स्मॉल फ्लैप ऑफ द कार्टिलेज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। के ऊपर एक फ्लैप होता है जिसको हम कार्टिलेज का फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, विच प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। अब जब खाना हम अंदर ले रहे होते हैं तो लैरिंग्स का जो ट्रैकिया वाला पार्ट है उसके ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर ये फ्लैप आ जाता है और उसको बंद कर देता है उस पैसेज को, सो दैट अवर फूड कैन नॉट गो इन टू द ट्रैकिया। वो ट्रैकिया के अंदर हमारा लंग्स में थोड़ी जाता है फूड, राइट। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। लैरिंग्स के ऊपर आपको याद रखना है ऐसा कौन सा फ्लैप है, ऐसा कौन सी कार्टिलेज है जो हमारे फूड को लंग्स में जाने से रोकती है, ट्रैकिया में जाने से रोकती है, तो आप बताएंगे एपिग्लॉटिस, राइट। पुरिंग साउंड इन कैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ फॉल्स वोकल कॉर्ड। जो ये साउंड होती है कैट में, सो पुरिंग साउंड जो होती है बेसिकली वो क्या है, एक वाइब्रेटरी वाइब्रेशन जैसे साउंड होती है, और दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैट बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स वोकल कॉर्ड की वजह से होती है। इन हिप्पोपोटामस द ट्रू वोकल कॉर्ड इज एबसेंट। हिप्पोपोटामस में ट्रू वोकल कॉर्ड जो होती है वो एबसेंट होती है। टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है हमारी वो 6000 ml है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम 1200 ml है एंड टाइडल वॉल्यूम 500 to 600 ml। टोटल जो लंग कैपेसिटी है वो 6 liter यानी कि 6000 ml है। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि जब हम एयर इनहेल कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितनी इनहेल कर पाते हैं हम, जो इंस्पिरेशन होता है जब हम एयर को अंदर ले रहे हैं तो मैक्सिमली हम कितना ज़्यादा एयर अंदर ले सकते हैं उस कैपेसिटी को कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। और इसका जो है ह्यूमन बींग्स में वो 6 liter और 6000 ml, राइट। 6000 ml इज इक्वल टू 6 liter, राइट। इतनी कैपेसिटी है लंग कैपेसिटी। और रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब हो गया जैसे हमने टोटल फोर्सफुल एक्सपायरेशन यानी कि सारी एयर हमने पूरी ताकत के साथ बाहर निकाल दी है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लंग के अंदर कुछ एयर रह जाती है, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल एयर, राइट। टाइडल वॉल्यूम क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम का मतलब है जब हम नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, नॉर्मल एयर अंदर ले रहे हैं और एयर बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो जो बेसिकली वो वॉल्यूम है एयर का वो कितना है, तो 500 टू 600 ये मेल में नॉर्मल हेल्दी मेल में होता है एंड 400 टू 500 ml फीमेल्स के अंदर होता है, राइट। तो यहाँ पर हमें टोटल लंग कैपेसिटी पता चल गई है, रेजिडुअल वॉल्यूम पता चल गया, टाइडल वॉल्यूम ये अक्सर ये वाला पूछ लिया जाता है टोटल लंग कैपेसिटी।
सो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. तो हेयर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फिनिश्ड. नाउ वी विल मूव ऑन टू द अनादर सिस्टम, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट सप्लाइज द यूजफुल मटीरियल एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स. ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं या यूजफुल मटेरियल कह सकते हो या सब्सटेंस कह सकते हो, उनको हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है. एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी सेल से निकल रहे हैं, टॉक्सिन्स हैं, जो ये अनवांटेड जो सब्सटेंसेस हैं, दे आर रिमूविंग आउट फ्रॉम दिस सिस्टम ओनली, राइट. तो ये कैसे होता है? इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. ठीक है, तो इसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो मेन है हार्ट है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं. ठीक है, तो ब्लड बेसिकली ब्लड का ही तो काम हुआ जो हमारी बॉडी के अंदर इम्पॉर्टेंट और यूजफुल मटेरियल जितना भी है उसको हर एक सेल या बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचाना, और बाकी वहां से सारा का सारा जो कलेक्ट करते हैं वो अनवांटेड सब्सटेंसेस और अनयूजफुल मटीरियल, उनको वेस्ट मटीरियल्स को इकट्ठा करके वो कहाँ जाते हैं? किडनी में जाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर छनता है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली इसका काम हो गया, इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट सप्लाई द यूजफुल मटेरियल. ये सप्लाई करता है पूरी बॉडी के अंदर यूजफुल मटेरियल्स की एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स, और सारे जो बॉडी के सेल्स हैं उसे सारा रिमूव और वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लेके आता है. ठीक है, उसको रिमूव करता है. नाउ कम टू द फर्स्ट ऑर्गन, हार्ट. हार्ट इज अ थिक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्टाइल ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. हार्ट क्या है? बेसिकली आपका एक थिक मसल्स से बना हुआ कॉन्ट्रेक्टाइल, ठीक है, और ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन है. ये ऑटोमेटिक है, ऐसा नहीं है कि इफ़ यू वॉन्ट इट यू कैन पंप और यू इफ यू डोंट वॉन्ट देन यू कैन नॉट पंप, ऐसा नहीं होता है. इसमें ऑटोमेटिक पंपिंग मशीन है, ये पूरा थ्रू आउट लाइफ ऑटोमेटिकली काम करती रहती है. ठीक है, अब द चैम्बर विच रिसीव द ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू आर कॉल्ड द ऑरिकल. देखो कितना इजी इजी लैंग्वेज में इसमें बताया हुआ है कि जो हमारा हार्ट होता है बेसिकली उसमें चैम्बर्स होते हैं, राइट. तो हमारे जो बॉडी होती है ह्यूमन बीइंग की है उसमें चार चैम्बर्स में हमारा हार्ट डिवाइड होता है. जो अपर पार्ट होता है ये सबसे ऊपर वाला राइट पोर्शन है, राइट ऑरिकल हो गया. ठीक है, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट. देर इज अ थिन टू लेयर सैक अराउंड द हार्ट नोन एज पेरिकार्डियम. जो हार्ट को हमारे सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द इंजरीज, वो होती है एक लेयर, टू लेयर की बनी होती है, वो थिन मैमब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, फिल्ड विद द वाटर फ्लूड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूड. ठीक है, उसके अंदर बेसिकली पेरिकार्डियल फ्लूड भरा होता है. जो फ्लूड होता है जो फ्रिक्शनलेस, विच अलाउ फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ द हार्ट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स. ठीक है, ये हमें फ्रिक्शनल जो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है उसमें हमें उसको अलाउ करता है एंड हार्ट को कैसे बचाता है मैकेनिकल शॉक से कभी. ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट मैम्ब्रेन है, पेरिकार्डियल मैम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम इज ए मैम्ब्रेन नेम एंड पेरिकार्डियल दोनों मैम्ब्रेन के बीच में फ्लूड होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड, राइट. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अवर हार्ट, कैन यू सी? दिस इज द राइट ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो अपर वाला पार्ट ऑरिकल कहलाता है एंड नीचे वाले पार्ट को हम वेंट्रिकल कहते हैं. चार भागों में डिवाइड है, ये वन पार्ट है, ये सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट. यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स दिखाई हुई है, aorta सबसे बड़ी आर्टरी है ये. ठीक है, तो नाउ कम टू द फिशेस. फिशेस हैव ओनली टू चैम्बर हार्ट. जो फिश होती है बेसिकली इसमें टू चैम्बर्स होते हैं, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. ये हमें याद रखना है, फिश में कितने होते हैं चैम्बर्स? दो चैम्बर होते हैं. एग्जाम में पूछा जाता है एम्फीबियन में कितने होते हैं, देन यू विल से एम्फीबियन हार्ट इज हैविंग थ्री चैम्बर. ठीक है, थ्री चैम्बर होते हैं उसके अंदर. लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होता है बेसिकली उसके अंदर बर्ड, क्रोकोडाइल बर्ड एंड मैमल, देखिए ये याद रखना आप, क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स. द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर चैम्बर, टू ऑरिकल टू वेंट्रिकल, राइट. इनमें चार होते हैं. ये क्रोकोडाइल का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हाउ मेनी चैम्बर इन क्रोकोडाइल हार्ट. फिर उसके आता है रेप्टाइल. रेप्टाइल हार्ट इज स्ट्रक्चरली थ्री चैम्बर बट इज फंक्शनली फोर चैम्बर.
इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड एक्सेप्ट इन क्रोकोडाइल। अब देखिए रेप्टाइल का थ्री चैम्बर माना जाता है, लेकिन इसमें कहते हैं कि वैसे फंक्शनली ये चार चैम्बर का है, लेकिन ये वैसे अगर फिजिकली देखा जाए तो थ्री चैम्बर्स होते हैं, तो इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड बोलते हैं। या आप सिंपली थ्री एंड हाफ अगर आता है ऑप्शन में तो वो भी क्लिक कर सकते हैं राइट आंसर में रेप्टिलियन हार्ट में, बट वैसे ये थ्री चैम्बर्ड ही होता है राइट। लेकिन इसका एक्सेप्शन है रेप्टाइल का क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितना है, फुली फोर चैम्बर्ड, इसमें कोई इनकम्प्लीट फोर चैम्बर नहीं होते, इसमें पूरे के पूरे चार चैम्बर होते हैं राइट। अ न्यू बॉर्न बेबीज हार्ट वेट इज अबाउट 20 ग्राम, और जो एक छोटा बच्चा होता है उसका हार्ट का वेट होता है 20 ग्राम। द एवरेज वेट ऑफ द हार्ट इन मैन इज 380 to 340 ग्राम्स, वाइल इन वुमेन इज 230 to 280 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ मेल का हार्ट बहुत बड़ा है, देख लीजिए फीमेल से ज़्यादा, वैसे भी मेन्स आर बिग हार्टेड राइट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने, अभी हम देखते हैं कि ये कंटिन्यूस में है नीचे। अच्छा, ये हम सर्कुलेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले चलिए हम डिजीज देख लेते हैं। ओके, एंजिना पेक्टोरिस। देखिए एंजिना पेक्टोरिस क्या कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन उठता है, किसमें, चेस्ट में, और उसके बाद शोल्डर्स आर्म्स एंड नेक में होता है। और ये होता क्यों है बेसिकली, बिकॉज ऑफ हार्ट मसल्स में प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड इज नहीं होती, ठीक है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द मसल ऑफ द हार्ट राइट। तो पेन इन हार्ट, सिंपली हम कह सकते हैं पेन इन चेस्ट और पेन इन हार्ट मसल्स अपियरिंग एज अ चेस्ट पेन, इट कॉज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी। मसल्स जो होती है कॉरोनरी जो आर्टरी होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लिखा हुआ है इसमें, लेकिन आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए इसे। बेसिकली ये क्या होता है, मसल्स में जब इनएडिक्वेट सप्लाई होती है ब्लड की, तो उसको हम यानी कि कमी हो जाती है ब्लड की, सप्लाई की कमी हो जाती है, तब हम इसे कहते हैं एंजिना पेक्टोरिस राइट। टैकीकार्डिया इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट। टैकीकार्डिया क्या है, बहुत ज़्यादा तेजी से हार्ट बीट का बढ़ना, कभी कभी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑल्सो, टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है हार्ट बीट। ब्रैकीकार्डिया डिक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट। सो नेक्स्ट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब आता है, जब मेडिकल सडन अटैक इन द हार्ट, और वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉट ब्लॉक फ्लो। ब्लड क्लॉट जो होता है वो ब्लड को फ्लो होने से ब्लॉक करता है राइट, तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक होता है। इसमें बेसिकली ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस नहीं आने वाली कंडीशन हो जाती है, पैल्पिटेशन हो जाता है, पेन इन चेस्ट, अनकॉन्शियस हो जाता है, अनकॉन्शियस अपीयर सडनली। तो बेसिकली आपका ब्लड फ्लो प्रॉपरली हार्ट में नहीं करता है, तब हार्ट अटैक आता है ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ लिखा है नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक, ये बेसिकली एंजिना पेक्टोरिस वाली कंडीशन जब होती है तब दिया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ये क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसको वाइडन कर देता है राइट, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, बहुत चौड़ा कर देता है, जिससे कि इजीली ब्लड जो होता है वो हार्ट मसल्स में सप्लाई होने लगती है राइट। तो उस कंडीशन में एंजिना पेक्टोरिस में भी दिया जाता है, एंड दिस इज दे आर सेइंग दैट इन दिस बुक दे आर सेइंग दैट नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड फॉर दिस ट्रीटमेंट हार्ट अटैक में राइट। सो आई डोंट नो अबाउट दिस हार्ट अटैक में ये मेडिसिन दी जाती है, बट दिस इज यूज्ड फॉर द एंजिना पेक्टोरिस ठीक है। तो ये आप एक बार गूगल कर लीजिए राइट। हार्ट ब्लॉक, व्हेन हार्ट बीट इज नॉट पास टू द वेंट्रिकल प्रॉपरली। जब हार्ट ब्लॉक कब होता है, जब आपकी हार्ट बीट है, जब हार्ट बीट अराइज होती है ऑरिकल से ठीक है, उसके बाद वो वेंट्रिकल्स में पास नहीं हो रही है, एंड दिस इज द डिफेक्ट ऑफ कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। जब आपका कंडक्टिव सिस्टम जो चलाने वाला सिस्टम है आपका हार्ट बीट को, वो खराब डिफेक्ट हो जाता है, तब उस कंडीशन में हार्ट ब्लॉक होता है राइट। इस कंडीशन को हम कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, एवी ब्लॉक, क्योंकि जो ऑरिकल्स हैं और एट्रियम है वहां से ही सिग्नल क्या होते हैं, वेंट्रिकल की तरफ पास नहीं होते ठीक है। तो बेसिकली इन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो हैम्पर हो जाते हैं, वो प्रॉपरली आगे नहीं जाते। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरी, जब कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बन जाता है ब्लड का, तो उसको कहते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन
इट इज़ द डेथ ऑफ ए पार्ट ऑफ हार्ट मसल फॉलोइंग एग्जॉस्टन ऑफ ब्लड सप्लाई टू इट इट इज़ अक्यूट हार्ट अटैक. अब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो है बेसिकली, तो यहाँ पर भी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो बताया हुआ है इसके अंदर भी हार्ट अटैक वाली कंडीशन आ जाती है. और ये क्यों होता है बेसिकली, जब मसल्स जो होती हैं आपकी वो प्रॉपरली ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर रही है, ब्लड सप्लाई वहाँ नहीं होती तो ऑक्सीजन भी नहीं होती, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो टिश्यूज होते हैं हार्ट के वो डाई हो जाते हैं, राइट, वो मर जाते हैं टिश्यूज, यानी कि उनमें लाइफ नहीं रहते. तो इस तरीके से इट इज ऑल्सो कॉजेज द अक्यूट हार्ट अटैक. नाउ कम टू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द होल बॉडी कैन बी शोन इज, देखिए अब यहाँ पर पूरा इन्होंने एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट में. ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है उसके जो पूरे ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स है या पूरी बॉडी के जो पार्ट है, वहाँ से हमारा इम्प्योर ब्लड, ठीक है, हमारा इम्प्योर ब्लड किस में जाता है, इन्फीरियर वेना केवा, और जो जो हमारा हेड का ब्लड है वो किस में जाता है, सुपीरियर वेना केवा में. ठीक है, तो ये क्या है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है इसमें, ये वेन्स है, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा. इन दो इन्फीरियर में पूरे बॉडी का लोअर जो बॉडी रीजन है हमारा, सारा नेक तक का जो रीजन है वो सारा कह सकते हैं कि इम्प्योर ब्लड कहाँ आ रहा है, इन्फीरियर वेना केवा में. एंड हेड से जो ब्लड आ रहा है इम्प्योर वो किस में जाता है, सुपीरियर वेना केवा में. उसके बाद ये जाता है राइट एट्रियम में. ठीक है, राइट एट्रियम आपको मैंने अभी दिखाया था, अभी आई विल शो यू देयर, ओके, फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो आई विल क्लियर यू. ठीक है, अब उसके बाद राइट एट्रियम में गया, उसके बाद वहाँ से जाता है राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद जाता है पल्मोनरी आर्टरी में. ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी देखिए, वैसे तो आर्टरी बोलते हैं कि प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है. पल्मोनरी आर्टरी क्या है, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड, ये एक्सेप्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है या प्योर ब्लड, तो आप बताएंगे इम्प्योर ब्लड. ठीक है, वो राइट वेंट्रिकल से आई, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से जो इम्प्योर ब्लड निकला वो कहाँ गया, लंग्स में फॉर द प्योरिफिकेशन प्रोसेस. वहाँ पर ऑक्सीजन मिलती है उस ब्लड को, अभी तक यहाँ पर था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब सुपीरियर वेना केवे में भी डीऑक्सीजनेटेड मींस इम्प्योर, राइट, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वो इम्प्योर हो गया, राइट. इन्फीरियर वेना केवे में भी क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड, यानी यहाँ CO2 की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं है. तो ये राइट एट्रियम में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी में भी इवन क्या है, इम्प्योर ब्लड है. ये आपको याद रखना है, एक्सेप्शन है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट. पल्मोनरी आर्टरी के बाद वो लंग्स में गई और वहाँ पर उसका प्योरिफिकेशन हुआ, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन गई ब्लड के अंदर, वो क्या हो गया अब, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त, यानी प्योर ब्लड. देन इट कम्स टू द पल्मोनरी वेन. अब यहाँ देखिए वेन है, वेन में अक्सर क्या बोलते हैं हम, प्योर ब्लड बहता है, लेकिन ये दिस इज द एक्सेप्शन, राइट. पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड आ गया है, अब देन इट विल गो इनटू द लेफ्ट एट्रियम, राइट. अब लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद दैट इट विल गो इनटू द आर्टा, राइट, इट्स अ बिगेस्ट आर्टरी. इसके जाने के बाद ये क्या हो गया, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट. तो कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी ऑर्गन है, हेड रीजन, सभी में आर्टा के थ्रू ही प्योर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है. नाउ आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ, दिस इज द हार्ट पिक्चर, हेयर यू कैन सी. देखिए यहां पर क्या है, ये aorta, ये बिगेस्ट आर्टरी है, इसके थ्रू क्या होता है, ब्लड टू द बॉडी, पूरे बॉडी में, यानी कि हेड रीजन में भी जाता है एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, प्योर ब्लड गया. ठीक है, अब जो ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ये देखिए ये इन्फीरियर वेना केवा, दिस इज सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पे ब्लड आया है हेड रीजन से, यहाँ से आया है पूरी बॉडी से, इम्प्योर ब्लड आया. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गया राइट ऑरिकल में, इसके बाद इट विल एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद ये पीछे से ये जो दिख रही है ना यहाँ पर, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ये कहाँ गया, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल के बाद गया पल्मोनरी आर्टरी में, और वहां से कहाँ गया, ब्लड टू द लंग्स, लंग्स में जाता है. एंड देन लंग्स, यहाँ पर समझ लीजिए आप एक लंग्स है, तो यहाँ से ब्लड गया लंग्स में, लंग्स के बाद वहां से पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आता है ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल. ठीक है,
यहाँ लंग्स मान लीजिए और ये है आपकी पल्मोनरी वेन, ठीक है, लेकिन इसमें प्योर ब्लड है और प्योर ब्लड आफ्टर लंग्स के बाद दिया गया, प्योर ब्लड यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल में एंड देन इट विल एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये आता है aorta में और aorta के थ्रू पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो याद रखने वाली बात है, एक तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन इन विच देयर इज ए इम्प्योर ब्लड, राइट, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक एक्सेप्शन याद रखना है। और यहाँ एक एक्सेप्शन याद रखना है, जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें प्योर ब्लड होता है, ये भी एक्सेप्शन है, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी वेन्स है ना आप देखेंगे बॉडी में, सभी में कैसा होता है, इम्प्योर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये सब वेन्स है, ये क्या है आर्टरीज है, इनमें प्योर ब्लड है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पल्मोनरी वेन जिसमें प्योर ब्लड है। तो आपको ये डायग्राम आपको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। aorta पूछ लेते हैं, बिगेस्ट आर्टरी जिसके अंदर प्योर ब्लड बहता है और उसके थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट एट्रियम है उसमें किस तरीके का ब्लड है ये पूछ लिया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। प्योर ब्लड कहाँ रहता है अपना, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। आई विल शो यू, ये लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये वाला जो भाग है हमारा ब्लड हार्ट का इसके अंदर प्योर ब्लड है, एंड जो ये वाला पार्ट है हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल वाला, राइट साइड में हमारा इम्प्योर ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड में हमारा प्योर ब्लड रहता है, राइट। सो नाउ दिस इज फिनिश्ड। टू पंप आउट ब्लड द हार्ट चैम्बर अंडरगो ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस called systole and relaxation called diastole. जब हमारा ब्लड पंप हो रहा है हमारे हार्ट के अंदर, तो जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं सिस्टोल, ठीक है। और अगर जब हमारा रिलैक्स हो रहा है ब्लड तो उसको कहेंगे डायस्टोल, ठीक है। तो सिस्टोल और डायस्टोल ये पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन क्या है सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज डायस्टोल। द रेगुलर सिक्वेंस ऑफ दी सिस्टोल एंड डायस्टोल कॉजेज द हार्ट साउंड लबडब। ये जो हार्ट बीट जो होती है हमारी सिस्टोल और डायस्टोलिक जो आ रहा है ये आवाज, इसको कहते हैं हम लबडब, ठीक है, इसको कहते हैं हार्ट साउंड पूछ ली जाती है लबडब। Artery carries pure blood from the heart while vein carries impure blood to the heart. अब देखिए ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है पहले से ही, जो arteries होती हैं वो pure blood ले जाती हैं heart से कहाँ, body की तरफ, और जो veins होती हैं वो impure blood कहाँ ले जाती है, heart की तरफ, ठीक है। तो vein और artery आपको याद रखना है, it carries pure blood. Veins क्या है, it carries impure blood. Blood exception मैंने already आपको बता दिया ऊपर। Human heartbeat is myogenic in nature, that is initiated by a patch of modified heart muscles itself without requiring an external stimulation. This patch is called SA node or pacemaker, right? अब देखिए जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो मायोजेनिक इन नेचर है। मायोजेनिक का क्या मतलब है कि हमारे अंदर हार्ट के अंदर मॉडिफाइड कुछ मसल्स हैं, पैच ऑफ मसल्स हैं जो क्या करती है, खुद ही स्टार्ट करती है स्टिमुलेशन को, हार्ट को स्टिमुलेट कर देती है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो स्टार्ट होती है हमारे हार्ट से ही, और उसी को हम कहते हैं ऐसे नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। ये पेसमेकर भी कहलाता है। जब हमारा ये ऐसे नोड खराब हो जाती है हार्ट, जब हम एजिंग होती है तो ये कभी कभी खराब भी हो जाती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बेसिकली जो हार्ट की बीट को है उसको इनिशिएट करने में हेल्प करता है और उसको मेंटेन करता है उस हार्ट बीट को। व्हेन एसे नोड बिकम्स डिफेक्टिव, दैट इज इट डज नॉट जनरेट कार्डियक इंपल्स, ये भी बताया मैंने, इट कैन बी क्योर्ड बाय सर्जिकल ग्राफ्टिंग ऑन ऑफ एन आर्टिफिशियल पेसमेकर एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इन द चेस्ट ऑफ द पेशेंट, स्टिमुलेट द हार्ट इलेक्ट्रिकली एट रेगुलर इंटरवल्स। अभी मैंने बताया कि जब ऐसे नोड डिफेक्टिव हो जाती है, साइनो ऑरिकुलर नोड बेसिकली करती क्या है, जो कार्डियक इंपल्स है उसको जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करती है, सो दैट उसकी जो बीटिंग है हार्ट की वो एक कांस्टेंट मतलब बनी रहे, ठीक है, हार्ट बीट होती रहे, उसके लिए होती है। अगर वो हाँ डिफेक्ट हो जाएगा ऐसे नोड में, जो मसल्स हैं ऐसे नोड के उसमें अगर डिफेक्ट हो जाता है, तो आर्टिफिशियली डॉक्टर्स क्या करते हैं, ग्राफ्ट करते हैं पेसमेकर को। वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, चेस्ट में डाली जाती है पेशेंट के, और इसका काम क्या होता है कि जो हार्ट को
स्टिमुलेट करता है रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ द हार्ट वेव्स एट रेस्ट इज अबाउट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट्स। 70 to 72 टाइम्स पर मिनट होती है हार्ट बीट हमारी। इन अ न्यूली बॉर्न बेबी हार्ट बीट रेट इज अबाउट 140 पर मिनट। बहुत ज़्यादा होती है न्यू बॉर्न्स में, ठीक है, छोटे बच्चों की हार्ट रेट हार्ट बीट ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज इट मे बी हाई एज 170 to 200 टाइम्स पर मिनट। एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, तो कितनी हो जाती है 170 to 200 टाइम्स पर मिनट। नाउ कम टू द ब्लड। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यूज एंड कम्पोज ऑफ ब्लड कार्पोसल्स। जो हमारा ब्लड है वो क्या है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है एंड कम्पोज ऑफ ब्लड कार्पोसल्स। उसमें ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा होता है एंड प्लेटलेट्स, यानी ब्लड के तीन भाग हैं, ब्लड कार्पोसल्स दैट मीन ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। इट इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन, यानी 7.4 पीएच होता है इसका। क्वेश्चन आता है यहाँ से भी, इट्स वॉल्यूम इज एन एडल्ट इज 5.8 लीटर। इतना इसका वॉल्यूम होता है हमारी बॉडी के अंदर। द ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड इज ब्राइट रेड वाइल द डी ऑक्सीजनेटेड बिट पर्पल कलर डार्कर शेड ऑफ द रेड। जो ऑक्सीजनेटेड यानी अगर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में है तो ब्राइट कलर का होगा, ठीक है, और अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे, वेन्स में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैसा होता है, डार्कर शेड ऑफ रेड, थोड़ा सा पर्पलिश ब्लूइश होता है। पीपल हु लिव एट हाई अल्टीट्यूड हैव मोर ब्लड देन दोज हु लिव इन लो रीजन। जो ऊपर रहते हैं माउंटेन्स पे रीजन पे रहते हैं, वहां पर क्या ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो इसीलिए वहां पर ब्लड बहुत ज्यादा होता है लोगों के, ठीक है, जिससे कि मोर आरबीसी हो, और मोर आरबीसी होंगी तो ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा लेंगी वहां से, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्योंकि प्रेशर कम होता है इसलिए जरूरी है कि आरबीसी ज्यादा हो, इसलिए ब्लड ज्यादा होता है। दिस एक्स्ट्रा ब्लड का सप्लाईज एडिशनल ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल। देखिए वही बात है कि जब हम माउंटेन्स पे होते हैं तो हमारे चीक्स भी रेड हो जाते हैं, बिकॉज जो माउंटेन वाले रीजन के लोग हैं उनके चीक्स बहुत लाल लाल दिखते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो आरबीसी ज्यादा होगी तो एडिशनल सप्लाई करेगी ऑक्सीजन की। ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग फाइब्रिनोजन चेंजेस इनटू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन। ये ब्लड क्लॉटिंग का इन्होंने प्रोसेस बताया है, जिसमें क्या बताया कि फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो फाइब्रिन में चेंज हो जाती है, किसके थ्रू, थ्रोम्बिन के थ्रू, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थ्रोम्बोब्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोब्लास्टिन बनता है। द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ एडल्ट फीमेल वेरीज फ्रॉम 13 to 14.5, वेयर इज एन एडल्ट मेल इज अबाउट वेरीज फ्रॉम, देखिए यहाँ पर फीमेल का जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो याद रखिए 13.5 to 14.5, वेयर इज एन एडल्ट मेल इट इज अबाउट 14.5 to 15.5, यानी कि मेल में ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन काउंट इज हाइएस्ट इन द फीटस एंड इज अबाउट 23 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड एट बर्थ। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है, और छोटे बच्चे नहीं, फीटस में, यानी कि फीटस मीन्स जब वो प्रेगनेंसी पेट में होता है, ठीक है, एंड इट्स अबाउट 23 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड एट द बर्थ। और बर्थ के टाइम पे देखिए कितना ज़्यादा है उसका, 23 ग्राम पर 100 ml। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आर्टरीज एंड वेन्स। ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, दो तरह की होती है आर्टरीज। दीज आर थिक वॉल्ड, मोटी होती हैं ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट। जो आर्टरीज का काम होता है वो ब्लड को ले जाना, हार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाना होता है। दीज आर डीप सीटेड इन द बॉडी एंड हैव नो वॉल्स इन देम। जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो डीप सीटेड होती है, तभी तो हम अपने जो हाथ में है वो वेन्स देख पाते हैं। हमारे हाथ की जो नसें दिखती हैं उनको हम कहते हैं वेन्स, राइट, बट हम आर्टरीज को नहीं देख पाते बिकॉज दे आर डीप सीटेड, बहुत ज़्यादा अंदर होती है। एंड दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। देखिए यहाँ पर आ गया, यही मैंने बताया था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इसमें है पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये अभी अभी हमने पढ़ा है। इन आर्टरीज ब्लड फ्लो एट ए हाई प्रेशर एंड एट हायर स्पीड। जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ बहता है एंड हायर स्पीड होती है उसकी। वेन्स की बात करेंगे, दीज आर द थिन वॉल्ड ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे From various body parts toward the heart. अब ये क्या करती है, वेन, जैसे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के बारे में बताया था, वो क्या है, वेन्स, सारा वेन्स के थ्रू ब्लड जाता है उन दो बड़े वेन्स में, ठीक है, वो बड़ी बड़ी जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, सारा वेन्स के थ्रू जाने के बाद उसमें डाल देते हैं, और वहाँ से वो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा उसको कहाँ, हार्ट में ले जाती है, राइट, फॉर
प्योरिफिकेशन, हार्ट के बाद वो जाएगा लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन, राइट। तो जो वेन्स होती है हमारी वो थिन वॉल्ड होती है एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट टुवर्ड द हार्ट, हमारे हार्ट की तरफ ले जाती हैं फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट। दीज हैव वॉल्व्स इन दैम टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन दैम। अब देखिए आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं होता, लेकिन इनमें होता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड होता है वो बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है, इसलिए होता है इसमें। ब्लड फ्लो एट लो प्रेशर, जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत लो प्रेशर पे होता है एंड एट ए लोअर स्पीड और धीमी गति से होता है। दिस कैरेज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, ये भी मैंने बता दिया था, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। नाउ कम टू द कैपिलरीज, कैपिलरीज की बात करेंगे। दीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स एंड कनेक्ट आर्टरीज टू द वेन। अब ये बहुत छोटी पतली पतली नलियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं। दीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, यहाँ पर ही मटीरियल का एक्सचेंज होता है आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करने के बाद। यहाँ पर जो डीप सीटेड ये कैपिलरीज हैं उनमें ही न्यूट्रिएंट लाइक गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ये सारा एक्सचेंज कैपिलरी के थ्रू होता है, राइट। देखिए नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्लड टाइप ऑफ पेरेंट्स, होमो और हेट्रोजाइगस। देखो होमो मींस हो गया दोनों का एक जैसा हो गया, ओ ओ ब्लड ग्रुप, राइट, ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ये कोई पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर बताया पॉसिबल ओ ओ वाले के जो चिल्ड्रन हैं उसके बच्चों में ओ पॉजिटिव पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा, ओ ए वाले के में ओ बी होगा, ए बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओ बी में ओ बी हो सकता है या बी बी हो सकता है, एंड ओ ए बी में ए बी होगा, राइट। ए ए वाले में ए और ओ हो सकता है, ए बी वाले में ओ ए बी ए बी ये हो सकते हैं, ये पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हैं, सो यू शुड रिमेम्बर देम। नाउ कम टू द ब्लड सेल्स, सबसे पहले ब्लड सेल्स की बात करेंगे। हमने पढ़ा था ब्लड्स के तीन भाग होते हैं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसल्स। तो ब्लड कार्पोसल्स में हम बात करेंगे ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स कैसी होती है, एक तो होती है आरबीसी, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कार्पोसल्स यानी कि रेथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल्स कंटेन द ब्लड्स हीमोग्लोबिन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन। जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, पहले भी पढ़ा था हमने। आरबीसीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, आरबीसी सबसे ज्यादा होती है ब्लड में, राइट। मैच्योर आरबीसी सेल्स लैक और न्यूक्लियस, जो मेच्योर आरबीसीज होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, राइट। तो सेल्स लैक और न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड ऑर्गेनेल्स इन मैमल्स। जो मेच्योर आरबीसीज होती हैं उसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता एंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, ठीक है। तो लाइक मैमल्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, राइट। हाउएवर इन कैमल एंड लामा इट इज न्यूक्लिएटेड, लेकिन एक्सेप्शन पूछा जाता है ये, ठीक है। मैमल्स आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट कैमल एंड लामा आर द टू एक्सेप्शंस इन विच न्यूक्लियस प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कि आरबीसी में न्यूक्लियस किस में होता है, कैमल और लामा के अंदर। वन आरबीसी कंटेन अबाउट 280 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक आरबीसी में 280 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ए सिंगल आरबीसी मॉलिक्यूल कैन कंटेन 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, राइट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक जो सिंगल आरबीसी है उसमें 300 मिलियन तक हीमोग्लोबिन हो सकते हैं, ठीक है, 280 to 300 मिलियन। ल्यूकोसाइट्स की बात करेंगे, ल्यूकोसाइट जिसको हम कहते हैं वाइट ब्लड कार्पोसल्स, ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड सेल्स, दीज आर द पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है। हमें जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन्हें उनसे लड़ने के लिए प्रोवाइड करती है, क्षमता प्रोवाइड करती है। एंड डिस्ट्रॉय एंड रिमूव ओल्ड एंड एबरेंट सेल्स, ये डिस्ट्रॉय करती हैं ओल्ड पुराने सेल्स को, जो खराब हो चुके सेल्स हैं हमारी बॉडी में, सेलुलर डेब्रिस को, एज वेल एज अटैक इन्फेक्शियस एजेंट एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, उनसे हमें बचाती है फॉरेन सब्सटेंसेस से, इन्फेक्शन सब्सटेंसेस से। दीज आर मच लेस इन नंबर देन आरबीसी, 1:1600 का इसका रेशो है। देखो ये रेशो पूछा जाता है, ल्यूकोसाइट, दिस इज ल्यूकोसाइट एंड दिस इज आरबीसी, तो डब्ल्यूबीसी वर्सेस आरबीसी का रेशो क्या है, 1:600। अगर एक ल्यूकोसाइट है तो उसके ऊपर कितनी आरबीसीज होंगी, 600 आरबीसी होंगी, राइट। तो
बहुत ज़्यादा है आरबीसी, और जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं वाइट ब्लड सेल्स से कम है. नाउ कम टू द प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. जो हमारा ब्लड का रक्त का थक्का बनता है बेसिकली, वो इसी वजह से बनता है, प्लेटलेट की वजह से. इट चेंजेस फाइब्रिनोजन इंटू फाइब्रिन. जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं वो ब्लड का थक्का जमाती है, और इट चेंजेस ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रीन में चेंज कर देती है. फाइब्रीन क्या होता है, एक मतलब थोड़ा थोड़ा सा रेशे टाइप का बना के एक क्लॉट सा बना देती है. राइट नाउ देर इज प्लाज्मा, दिस इज द प्लाज्मा, इट कंटेन 92% वाटर. एग्जाम में पूछते हैं कि जो ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट है उसमें कितना भाग वाटर होता है, दैट यू विल से इट इज 92% वाटर, 8% ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर मेटल. जो टोटल हमारा प्लाज्मा है बेसिकली, उसके अंदर प्लाज्मा में 92% वाटर है. राइट तो हमारी बॉडी में बेसिकली सबसे पहले समझेंगे ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा कितना होता है. तो ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है 55%. राइट तो ये आपको याद रख रहा है, 55% इज द ब्लड प्लाज्मा एंड 45% इज द ब्लड कॉर्पसल्स. तो जो 55% प्लाज्मा है उसके अंदर वाटर का कंटेंट कितना है, 92%, 8% ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर मेटल. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा किसका बना होता है, वाटर ही होता है मैक्सिमम उसमें. इट इज़ अ सेल फ्री पार्ट ऑफ द ब्लड. इसके अंदर ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि सेल्स नहीं है. कंटेन सॉल्ट्स, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज वेल एज मोर और लेस ऑल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बॉडी. जितने भी हमारी बॉडी के प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो सभी और सॉल्ट्स होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा में होते हैं. इट फ्लोज विद इन ब्लड वेसल्स. ब्लड प्लाज्मा जो होता है हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है. इट टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन. न्यूट्रिशन में टेक पार्ट करता है, एक्सक्रीशन, ठीक है, रेस्पिरेशन एटसेट्रा, बाय ट्रांसपोर्टिंग वेरिएंट मटेरियल एंड हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. ये ब्लड प्लाज्मा होता है वो एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करता है, तो सारे काम करता है ये. इट कैन रिकॉगुलेट बिकॉज इट कंटेन फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन. और ये ब्लड को कॉगुलेशन का भी काम करता है प्लाज्मा, बिकॉज इसके अंदर फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स होती है. नाउ कम टू द लिम्फ. लिम्फ क्या होता है, लिम्फ कंटेन अ वराइटी ऑफ सब्सटेंस इंक्लूडिंग प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज, फैट, वाटर एंड WBC. इसके अंदर WBC होती है, मेन बात यह है. एंड इट इज मॉडिफाइड टिश्यूज फ्लूड. ये मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूड है, कंटेन सेल्स लाइक लिम्फोसाइट, मोनोसाइट. इसके अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है मोनोसाइट्स होती हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स में भी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, सॉल्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है. इट इज कलरलेस. ये कलरलेस होता है, ठीक है. इट फ्लोज विद इन द लिम्फेटिक वेसल्स. अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो होता है प्लाज्मा वो ब्लड वेसल्स में बहता है. प्लाज्मा मतलब जो ब्लड का कंपोनेंट है, राइट. तो ब्लड फ्लोज इन टू द ब्लड वेसल्स, लेकिन लिम्फेटिक जो लिम्फ होता है वो बेसिकली लिम्फेटिक वेसल्स में बहता है. इट सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द टिश्यू डिवॉइड ऑफ ब्लड सप्लाई. ठीक है, ये ऐसे टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं है. टेक्स पार्ट इन फैट एब्जॉर्प्शन. ये फैट एब्जॉर्प्शन में भाग लेता है. एंड डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. डिफेंस मैकेनिज्म क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स होते हैं. इट कैन कॉगुलेट बट वेरी स्लोली बिकॉज इट कंटेन दीज टू इन स्मॉल क्वान्टिटी. अब जो प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन जो आपने प्लाज्मा में पढ़ा था वो इसमें होते हैं बट वेरी लेस अमाउंट में. तो ये कॉगुलेशन करता है बट वेरी स्लो स्पीड, वेरी स्लोली. राइट नाउ विल टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर है क्या, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल ड्यू टू रिपीटेड पंपिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर. ठीक है, जो ब्लड जो वेसल्स हैं हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है बेसिकली बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट पंपिंग ऑफ द हार्ट. हार्ट हमारा ब्लड को कॉन्स्टेंटली पंप कर रहा है, तो उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है वेसल्स पे, उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर. ठीक है, और उसको मेजर कैसे करते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर एक ये डिवाइस है जिससे हम इसको मेजर करते हैं. क्वेश्चन आता है ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय स्फिग्मोमैनोमीटर. इट कैन बी फेल्ट एट सर्टेन प्लेसेस इन अवर बॉडी विद रिस्ट ऑफ द हार्ट एटसेट्रा. ये हमारी बॉडी के रिस्ट और हैंड पे फील हो सकता है प्रेशर. एंड ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेड एज अ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, सिस्टोलिक और जब डायस्टोलिक, ये हमने ऊपर पढ़ा था हार्ट के अंदर, तो हमें इस फॉर्म में रिकॉर्ड होता है सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक. तो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कितना होता है, 120/80. तो 120 इज अ सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज अ डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, MMHg, ठीक है, MM मरकरी, ये हमें याद रखना है.
सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक यानी कि 120 इज सिस्टोलिक अपॉन 80 और एमएम एचजी की यूनिट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर आर एज, कार्डियक इनपुट, टोटल पेरिफेरल सब्सटेंस एक्सेट्रा। एज के हिसाब से भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज और घटता और बढ़ता रहता है, कार्डियक आउटपुट कैसा है, किस हिसाब से रहता है, वो सब ब्लड प्रेशर को ये सब कंट्रोल करती है चीज़ें। इफ़ ए पर्सन हैज़ अ परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर देन इट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। अगर एक किसी आदमी का कॉन्स्टेंटली एक हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन, हाई बीपी को कहेंगे हाइपरटेंशन। एंड ए परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर इज 150/90। ये जो हाइपरटेंशन जो है बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, यूजुअली 150/150 इज सिस्टोलिक 90 इज डायस्टोलिक। तो हमें याद रखना है जैसे यहाँ नॉर्मल है 120/80, यहाँ कितना हो गया 150/90, तो ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन, ठीक है। एमएमएचसी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आर ओवर ईटिंग, फियर, एंजाइटी, वरी, चिंता, दुख और ज़्यादा खाना, डर लग रहा है, ये सभी हाइपर टेंशन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ हाइपोटेंशन इज अ कंडीशन ऑफ लो बीपी, जब बहुत ज़्यादा लो रहता है कॉन्स्टेंटली तो उसको हम कहते हैं लो बीपी, हाइपोटेंशन, हाइपो मीन्स कम हो जाना। दैट इज परसिस्टेंट 100/50 mmHg, अगर 100/50 अगर इतना रहे, ठीक है 100/50 mmHg इतना रहे तो हम कहेंगे ये कंडीशन कैसी है, लेकिन परसिस्टेंटली ऐसा ही हो, ऐसा नहीं कि सडन कभी आपको एक दिन हो गया और आपका कॉन्स्टेंटली नॉर्मल रहता है तो आप नहीं कह सकते कि दिस इज हाइपोटेंशन। यू कैन ओनली से इफ दिस इज परसिस्टेंटली हैपन, अगर ये कंटिन्यूसली आपके यही ऐसा ही रिकॉर्ड रहता है तो आप कहेंगे ये हाइपोटेंशन, राइट, यानी कि लो बीपी रहता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी इज अ यूज टू चेक प्रॉपर वर्किंग ऑफ हार्ट बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब जो हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही वो किससे चेक होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से, ईसीजी से। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट स्केलेटन सिस्टम, सो आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज शेयर इट, थैंक यू वेरी मच।